ये लिया है कि कर्नल साहब पार्टी में मिल चुके हैं, समाज का जो संगठन है उसको छोड़ करके वो पार्टी में चले गए, इसलिए कर्नल साहब और कर्नल साहब के जो साथी हैं भाई जैसे पूरा भगत है, शैलेंद्र वकील है, उनको संघर्ष समिति से निकाला जाता है और पूरे संघर्ष समिति और पूरे ही राजस्थान में पूजनों को इकट्ठा करके संघर्ष समिति अपना चयन करेगी और समाज की लड़ाई को लड़ेगी और समाज के हक को आगे दिलाएगी। अब बताओ किनको जैसा मोबाइल तो जैसा श्री राम जी ने बताया, आज जो संघर्ष समिति का जो निर्णय है वो निर्णय ये है, एक लाइन का प्रस्ताव ये है कि माननीय कर्नल बैसला जी जो संयोजक थे राजस्थान गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के, वो भाजपा ज्वाइन करने के बाद में आज जो निर्णय हुआ है वो निर्णय ये है कि कर्नल बैसला जी, भूरा भगत जी बयाना और शैलेंद्र सिंह एडवोकेट जो विधि सलाहकार थे, क्योंकि पिछले समझौते में शैलेंद्र सिंह एडवोकेट ने एक बैकलॉग शब्द जुड़वाया था, वो बैकलॉग शब्द का जो एक ऐसा पेचीदा शब्द हो गया था उससे सरकार जो हमारे जो नवयुवक हैं उनके जो बेरोजगार हैं जो नर्सिंग भर्ती के जो रीट के उनमें बैकलॉग भरने में काफ़ी परेशानी आ रही है, जबकि वो रिजर्व पद थे, समझौते में रिजर्व पद लिखाना चाहिए था, तो जो शैलेंद्र सिंह ने जो लिखा था वो पेचीदा शब्द का उपयोग किया गया और उनको विधि की कोई जानकारी नहीं है इसलिए उनको विधि सलाहकार से हटाया जाता है और उनको बर्खास्त किया जाता है। तीन कर्नल बैसला जी, भूरा भगत जी और शैलेंद्र सिंह तीनों को संघर्ष समिति से बर्खास्त किया जाता है, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आज जो सरकार से जो समझौते की जो पालना के लिए 12 तारीख को जो मीटिंग थी वो बैसला जी और उनके जो टीम के द्वारा भाजपा ज्वाइन करने के बाद में वो सरकार ने निरस्त कर दी थी जो मीटिंग। आज हमारी बात हुई भंवरलाल मेघवाल जी से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आचार संहिता लगी हुई है इस कारण से हमने वो मीटिंग कैंसिल की, क्योंकि वो भाजपा राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन कर लिया था बैसला जी ने, इसलिए उनके साथ मीटिंग नहीं हो सकती है। अभी 5 बजे निखिल अरोड़ा जी के चैम्बर में, अखिल अरोड़ा जी के चैम्बर में हम 4 लोगों को बुलाया है, आज उनके साथ वार्ता होगी, आगामी जो भी निर्णय हो जो जो हमारी जो भर्तियाँ हैं जिसमें रिजर्व पद जो 4 रीट के हैं, नर्सिंग भर्ती है, जो भी प्रक्रियाधीन भर्ती हैं उन सभी भर्तियों के बारे में बात होगी। यदि सरकार ने यदि अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी तो वही मैदान है और वही हम लोग हम जंग के लिए तैयार हैं। और मैं युवा साथियों को ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आपकी मांग को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे और आपको हक दिला के रहेंगे। देखिए वो उनका निजी विचार है, निजी व्यक्तिगत मामला है, वो बीजेपी में जाए किसी पार्टी में जाए, कल को हो सकता है कांग्रेस में भी आ जाए या बसपा में चले जाए, उनका निजी विचार है। यदि यदि 5 सीटों को जिताएंगे तो हम लोग भी उनका विरोध करेंगे, क्योंकि समाज की बात को बीच चौराहे पर समाज की बात को छोड़कर वो बीजेपी में चले गए, इसलिए हम उनके साथ नहीं है, पूरा समाज उनका विरोध करेंगे। पहले ये जो आपने पहले सरकार के साथ जो वादा करते सरकार को चेतावनी बढ़ा, सरकार को ये पहले ही बता दिया है भाई साहब ने कि अगर सरकार से जो हमारा समझौता हुआ है उसको लागू नहीं करेंगे तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन सरकार से मैसेज आ रहे हैं हमें कि आप आए और आपसे बात करेंगे, आगे की रणनीति वही खुलासा की जाएगी जब बात होगी कि क्या आश्वासन देती है सरकार। हमने कह दिया है कि अगर हमारी जो समझौता हुआ है कि भर्तियों में प्रक्रियाधीन भर्तियों में हमें 5% आरक्षण दिया जाएगा, अगर 5% आरक्षण नहीं दिया था वही मैदान है वही गुजर है। ईमान सिंह सिलवट अब एक 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 सरकार आज हमारे बीच कर्मठ जो खड़े हुए हैं ना, आज ये फैसला करेगी सरकार कि सरकार ने आज हमके योगदान की बात रख ली तो हम भी वादा करते हैं कि कांग्रेस की सीट हम इतनी चटा करके भेजेंगे तो कांग्रेस ही मान जाएगी, बात ने हमारा निर्णय लिया, हमारे योगदान की सुनेगी और आज फैसला करेगी। रतन सिंह सरपंच ग्राम सिंगान खेला भैया लोकसभा के नतीजा सदस्य सदस्य।
कुमार समिति के सदस्य रेडियो।